दोस्तों, जैसा कि भारतीय जैन संगठन के कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी के बीच ये सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि वन बाय वन अपना परिचय देवें। अरविंद जारोली, प्रदेश मंत्री भारतीय जैन संगठना और पार्षद नगर निगम उदयपुर। तुषार मेहता, भारतीय जैन संगठना का सदस्य। रैन प्रकाश जैन, महामंत्री उदयपुर बीजेएस। विकास जैन ऋषभदेव, अध्यक्ष ऋषभदेव चैप्टर, संभागीय अध्यक्ष उदयपुर जोन। भूपेंद्र गजावत, बीजीएस का सेक्रेटरी। राजेश भादिया, बीजीएस कोषाध्यक्ष उदयपुर। सुधीर चित्तौड़ा, भारतीय जैन संगठना स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम का राजस्थान स्टेट का हेड। दीपक सिंघवी, भारतीय जैन संगठना उदयपुर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। प्रवीण दख, मीडिया इंचार्ज, बीजेएस उदयपुर चैप्टर। सौरभ गोलछा, कार्यकारिणी सदस्य बीजेएस उदयपुर। आपका बीजेएस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र भट्ट साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार साहब पतावत, महामंत्री अभिषेक संचेती, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रिक मीडिया से पधारे हुए सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, आगामी 17-18 दिसंबर को आयोजित भारतीय जन संघटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में की बैठक आयोजित की गई है। देश भर से लगभग 3000 प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हो रहे, जिनके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई है और कुछ विशेष अतिथि हमारे बीच होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, दो प्रदेश मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री आदि हमारे बीच पधारे और बहुत सारे उद्योगपति उसमें हमारे बीच पधारे। G20 के बाद ये एक ऐसा अधिवेशन उदयपुर में हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया की नजर रहेगी और सबसे जो बढ़िया हमारा होने वाला है वो वहां रैली है हमारी, जो जल संरक्षण के संदर्भ में 100 जिलों को बीजेएस ने गोद लिया है और उनको सूखाग्रस्त मुक्त करने का जो MOU भारत सरकार के साथ किया उसके संदर्भ में वाहन रैली निकाली जाएगी और विभिन्न घोषणाएं उदयपुर में होने वाली, जिसको उदयपुर घोषणा के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानेगा। ये बहुत गौरवान्वित क्षण है आप और हमारे लिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत बढ़िया से कवरेज आप दें ताकि उदयपुर का नाम न केवल राजस्थान वन प्रदेश न देश पर पूरी दुनिया में देखा जाए, सुना जाए और समझा जाए। मैं स्वागत की रस्म के लिए अनुरोध कर रहा हूँ श्री राजकुमार साहब पतावत से, प्रदेश अध्यक्ष BGS, सभी पधारे हुए का स्वागत करें और थोड़ा सा इस पर विवेचन भी करें। आदरणीय राजकुमार साहब पतावत। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी लुंकर साहब, जो तमिलनाडु से अधिवेशन की तैयारियों के लिए कल ही उदयपुर में आ चुके थे, अधिवेशन की तैयारियों के संदर्भ में जो कि अंतिम चरणों में है, ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस प्रेस वार्ता में मैं हृदय की अनंत असीम गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेवाड़ की अगौरव में तरह जो शौर्य समर्पण शक्ति भक्ति उस गौरवमयी धरा पर संपूर्ण राष्ट्र का जैन समाज एक नया इतिहास रचने जा रहा है और उस इतिहास के संदर्भ में 17 और 18 दिसंबर को भारतीय जैन संगठन के संस्थापक परमादरणीय शांतिलाल जी मुथुआ के निर्देशन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुंकड़ के निर्देशन में 3200 से अधिक प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेंगे। इस अधिवेशन की तैयारियों के संदर्भ में सोभापुरा चौराहे स्थित ओकेजन गार्डन पे
ओकेजन गार्डन के पार्ट वन जो 40,000 स्क्वायर फीट में विशाल डोम का निर्माण चल रहा है और 3,200 डेलीगेट्स के बैठने की व्यवस्था उसमें हमने की है। गार्डन भी व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं और इसी के आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस में जो 3200 डेलीगेट्स देश के भिन्न भिन्न कोने से उपस्थित होंगे उनके लिए 900 कमरे आरक्षित करवाकर हमने उनके ठहरने की माकूल व्यवस्था की है। प्रतिदिन कल दोपहर से आना चालू हो जाएंगे। हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता और पूना स्थित प्रधान कार्यालय से लगभग 100 हमारे साथी यहां इस कार्यकर्ता के साथ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछली प्रेस वार्ता के समय हमने ये कहा था कि भारत सरकार के साथ जैन समाज का यह महत्वपूर्ण संगठन भारतीय जैन संगठन जल संवर्धन के लिए 100 जिलों का एमओयू करने वाला है और 4 दिन पूर्व ही हमारे संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी मुथा ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री कबीर जी पाटिल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और एमओयू प्राप्त कर लिया है। शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का सबसे बड़ा एमओयू है जहां तक मेरी जानकारी में है और इस जल संसाधन से संबंधित कुल 12 राज्य हैं जो मैंने प्रेस नोट में भी आपको दिए हैं और उसमें राजस्थान के 14 जिले इस वाटर सफिशिएंसी के लिए लिए गए हैं और वो राजस्थान के जो 14 जिले लिए हैं इसमें अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बारा, राजसमंद और उदयपुर जिला शामिल है, चल रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और डूंगरपुर तीनों में एमओयू हो चुका है। राजसमंद और उदयपुर का आज दोपहर में 3 बजे एमओयू कलेक्टर साहब के साथ होगा जो मीटिंग पहले से आयोजित है और सभी राज्य जिनमें जो जो जिले हैं वहां के कार्यकर्ता जिले के जिला अधिकारी के साथ एमओयू करके 17 दिसंबर को आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और कपिल जी पाटिल की समुपस्थिति में उदयपुर वाटर डिक्लेरेशन के नाम से जो देश में ही नहीं विदेश में भी ये बात जाएगी कि भारतीय जैन संगठन ने 100 जिलों का एमओयू किया है, जल संवर्धन करेंगे। इस अधिवेशन का दूसरा आकर्षण शाम को 4:30 बजे ओकेजन गार्डन से 12 राज्यों के 100 जिलों की एक विशाल वाटर रैली का आयोजन है। प्रति एक राज्य उसके बाद उसके पीछे जिले उसके जिलों के पीछे उस राज्य के सभी प्रतिनिधि इस प्रकार 12 भागों में यह रैली और उन 12 भागों में जो रैली होगी उसके पीछे प्रत्येक जिले के झांकियां होगी और इस रैली को और खूबसूरती देने के लिए स्थानीय स्तर पर हमने उस रैली के सबसे आगे बैंड उसके बाद 5 घोड़े 2 बग्घिये और हमारी यूथ विंग के 51 युवा साथी बुलेट मोटरसाइकिल से उस वाटर रैली को एस्कॉर्ट करेंगे। यदि कोई जानकारी चाहिए होगी तो अंत में देंगे। मैं आपके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में अधिक व्यवधान न बनता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजेंद्र जी ढूंगर से निवेदन करता हूं कि आप उदयपुर की प्रेस को संबोधित करें ये निवेदन के साथ कि 17 और 18 दिसंबर का ये अधिवेशन
केवल उदयपुर स्तरीय नहीं, प्रदेश स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तरीय है। इसका ऑनलाइन भी होगा, जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सब पर, यूट्यूब पर, आदिनाथ टीवी चैनल इसको पूरे देश में भी प्रसारित करेगा, और भी कई चैनल इसको प्रसारित करने वाले हैं। आपसे यह आग्रह निवेदन करता हूं कि उदयपुर का यह महती कार्यक्रम देश के कोने कोने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, इसके लिए आप अपने स्तर पर जितना सहयोग कर सकें करने का कष्ट करें, यही मेरा विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं आदरणीय राजेंद्र जी साहब लोंगर से कि वे प्रेस को संबोधित करें। प्रभु के श्री चरणों में वंदन। आज राजस्थान की इस पावन उदयपुर की धरा पर आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। भारतीय जैन संगठना पिछले 37 वर्षों से जैन समाज द्वारा बनाई गई एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो देश के गंभीर विषयों को, गंभीर प्रश्नों को अंडरस्टैंड करना और उसके लिए समाधान प्रस्तुत करना, जैन समाज सिर्फ जैन समाज के लिए काम न करते हुए जैन समाज राष्ट्र निर्माण के अंदर भूमिका कैसे अदा कर सकता है, इस पर पिछले 37 ईयर से भारतीय जैन संगठना 3 अलग अलग वर्टिकल में काम करता है। आपदा प्रबंधन, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भारतीय जैन संगठना का कार्य चल रहा है। आप लोगों को ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैन समाज की एक ऐसी संस्था जो 37 साल से राष्ट्र निर्माण के अंदर अलग अलग योजनाओं में राष्ट्र पर आई हुई अलग अलग आपदाओं को डील करने का जो सौभाग्य भगवान के माध्यम से बीजेएस को दिया गया, उसकी जर्नी 1993 में लातूर के अर्थक्वेक से शुरू हुई। 93 में लातूर अर्थक्वेक में 1200 अनाथ बच्चों को गोद लेने से लगाकर अंडमान एंड निकोबार में सुनामी के समय अलग अलग टापुओं पर हेल्थ सेंटर बनाना, जम्मू एंड कश्मीर में भूकंप के समय वहां के बच्चों को गोद लेना, किसान जिन्होंने आत्महत्या की है महाराष्ट्र के अंदर उन बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा का पुनरुत्थान करना, उन लोगों का शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में नया विचार और नया संकल्प देना से कोविड तक की जर्नी भारतीय जैन संगठना ने पूरे राष्ट्र में फैले हुए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर कुछ अंश अपना हिस्सा देने की कोशिश पिछले 37 साल से की है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बीजेएस के अपने सामाजिक क्षेत्र में, जिसके संस्थापक हमारे परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के निर्देशन में जिनकी ये कल्पना है, जिनका ये विचार है, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उदयपुर के इस कन्वेंशन के माध्यम से इस राष्ट्र को एक नया संदेश दिया जा रहा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं, इस बदलते हुए जमाने में दो गंभीर समस्या पूरे विश्व के सामने और पूरे देश के सामने है, वो है संस्कार की और पानी की। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, ना संस्कार पैदा किए जा सकते न पानी को पैदा किया जा सकता है। अब ये दो गंभीर समस्याओं के लिए भारतीय जैन संगठना ने ये वाला काम अपने जिम्मे पर लिया, किस तरीके से जैन समाज राष्ट्र निर्माण के अंदर इन दो प्रॉब्लम्स को डील करते हुए नेशन बिल्डिंग में सहयोग कर सकता है, उस पर कई वर्षों से काम चल रहा है। और आपको भूमिका में जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं, 2012 में बीड जिले के 400 गांवों में जल संवर्धन के काम की शुरुआत हुई और ये 400 गांवों में प्रयोग किया गया, और बीजेएस की कार्यप्रणाली यही रही है, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसका सॉल्यूशन डिजाइन करना, उसके लिए मॉड्यूल बनाना और फिर स्केल करना, ये बीजेएस का कार्यप्रणाली रहा है। तो इस पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रयोग महाराष्ट्र के बीड जिले में 400 गांवों से शुरू किया गया, और 400 गांवों में जब ये प्रयोग सफल रहा,
उसपे काम इस तरीके से किया गया कि जो पानी नेचुरली आता है भगवान के घर से जो पानी आता है वो बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर जो स्टोर करने के तालाब हुआ करते थे, बावड़ी हुआ करती थी, नदी हुआ करती थी, वो समय के साथ खत्म हो गई, बंद हो गई। एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक हजार स्ट्रक्चर होने के बावजूद ऑन रिकॉर्ड कोई आपको स्ट्रक्चर कम मिलेंगे, लेकिन जब 400 गांवों में ग्रास रूट लेवल पर ये काम किया गया और उसका प्रयोग सफल रहा कि जो पानी बहकर हमारे बरसकर जो हमारे पास आया, हमने जो तालाबों का पुनर्जीवन दिया, पुनरुत्थान किया, वो पानी न सिर्फ वहां पर टिका, वो पानी वहां रहने के कारण ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हुआ। ये प्रयोग सफल होने के कारण ये वाले काम को भारतीय जैन संगठना ने महाराष्ट्र के 5 जिलों तक बनाया और पहला जिला बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट बना जिसको बुलढाणा मॉडल के नाम से जाना जाता है। पूरे बुलढाणा जिले को वाटर सफिशिएंट बनाने के लिए भारतीय जैन संगठना ने ये वाला काम अपने हाथ में लिया और बुलढाणा का प्रयोग सफल होने के कारण जहां पर हमने जन भागीदारी को इन्वॉल्व किया। देश के प्रधानमंत्री अक्सर एक बात कहते हैं कि इस देश में यदि क्रांति आनी है या लाई जा सकती है तो जन भागीदारी के बिना नहीं लाई जा सकती है। सिर्फ अकेले सरकार का काम नहीं है, सरकारें अपने अपने स्तर पर बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन जब जन भागीदारी और वो जन आंदोलन के रूप में जब परिवर्तित होती है तो बहुत बृहद स्वरूप लेती है और ये आम नागरिक का कर्तव्य बनता है। इसी बात को समझते हुए बुलढाणा मॉडल में भारतीय जैन संगठना ने जेसीबी मशीन देने का काम किया, सरकार ने उसको डीजल देने का काम किया और वो सिल्ट उठाने का काम वहां की नदी के अंदर से जो तालाब के अंदर से निकला हुआ जो गार था, जो सिल्ट थी, वो किसान अपने खेत पर अपने खर्चे पर लेकर गया। एक नया प्रयोग देश में सफल हुआ जहां पर किसानों ने अपना पैसा डालकर, ये मॉडल इस तरीके का था जहां पर सरकार साथ आई, एनजीओ साथ आए और आम नागरिक, आम जनता साथ आई और ये प्रयोग सफल रहा। उसी प्रयोग सफल को नीति आयोग ने एक्सेप्ट किया, नीति आयोग ने इस काम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़ाने के लिए बीजेएस के साथ एमओयू किया और हमने कर्नाटका के 2 जिले, महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा कर्नाटका के 2 जिलों में ये वाला काम, रायचूर और यादगिरी में ये वाला प्रयोग हमने किया। बीजेएस की आदरणीय शांतिलाल जी मूथा की, हमारे फाउंडर की, एक आइडियोलॉजी है कि काम को स्केल कैसे किया जा सकता है, तो इस काम को स्केल करने के लिए अब एक नया प्रयोग आपके सामने आ रहा है जिसका उदयपुर के नेशनल कन्वेंशन में ये राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से, किसी समाज की सहभागिता के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके सामने आने वाला है। 100 जिलों का एमओयू भारत सरकार के साथ मिलकर जैन समाज के कार्यकर्ताओं के माध्यम से 100 जिलों में वाटर सफिशियंट बनाने का, 100 जिलों को वाटर सफिशिएंट बनाने का एक क्रांतिकारी विचार, एक क्रांतिकारी संकल्प, एक क्रांतिकारी योजना इस 17 और 18 दिसंबर के कन्वेंशन में आपके समक्ष आने वाली है। भारतीय जैन संगठना का कोई भी कार्यक्रम सिर्फ फंक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उद्देश्य के साथ में, पर्पस के साथ में आगे बढ़ा जाता है। और यहां पर जब पर्पस की बात की जा रही है, जैसा राजकुमार जी फतावत ने कहा, जो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नियोजन में, जिनके संयोजन में, जिनके मार्गदर्शन में हम ये पूरा नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, उदयपुर की टीम इसका पूरा संयोजन कर रही है, तो इन्होंने एक बात कही कि आने वाले 17 तारीख को शाम को जो वाटर मार्च निकलेगा वो इस पूरे देश को और विश्व को एक संदेश देगा कि कैसे समाज मिलकर राष्ट्र की बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे सरकार के साथ मिलकर, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जैन संगठन इज ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, हम कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। हां, जैन समाज के कुछ एक विचार के साथ काम करने वाले लोग एक मंच पर आए, लेकिन लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है। तो ये 100 जिलों को वाटर सफिशियंट बनाने के लिए भारतीय जैन संगठना का ये उदयपुर कन्वेंशन एक लैंडमार्क सिद्ध होने वाला है, जहां पर हमारे जल शक्ति मंत्री परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत इसमें शिरकत करने वाले, न सिर्फ शिरकत करने वाले, उनकी लीडरशिप में ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स का काम आदरणीय भाऊ के, आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के मार्गदर्शन में, निर्देशन में,
उनके साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ मिलकर ये 100 जिलों का काम शुरू होने वाला है, जो उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से पूरे देश में जाना जाएगा। और शाम को जो वाटर रैली है, जिसमें 100 जिलों का प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा कि कौन कौन से 100 जिले ये वाटर सफिशिएंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट काम जो होने वाला है, वो मूल्यवर्धन के रूप में भारतीय जैन संगठन ने और शांतिलाल मुथा फाउंडेशन के माध्यम से एक मूल्यवर्धन नामक एक सिलेबस डिजाइन किया कि कैसे बच्चों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ में वैल्यूज आए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आए। अब बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, और जब सिखाया नहीं जा सकता तो उनको एक्सपीरियंस कैसे कराया जा सकता है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड एक करिकुलम डिजाइन करके महाराष्ट्र के 67,000 स्कूल्स और गोवा के सारे सरकारी स्कूलों में यह प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अब देखिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक बनाया हुआ करिकुलम पूरे महाराष्ट्र के 67,000 स्कूल्स में चल रहा है, और उसका आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, समता की भावना, विनय की भावना, सरलता की भावना, समान विचारधारा, सबको समानता के साथ देखना, सबका सम्मान करना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जाए, उसका करिकुलम बीजेएस ने, शांतिलाल मुथा फाउंडेशन ने डिजाइन किया और वो महाराष्ट्र में शुरू है। वो वाला आप लोगों को ये सारी बातें सामने आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, जो बीजेएस के 17 और 18 दिसंबर के अधिवेशन के अंदर पूरे देश भर के 3,000 वॉलंटियर आ रहे हैं। यहां पर कोई दर्शक नहीं होंगे, ये 3,000 कार्यकर्ता होंगे, और ये सारे कार्यकर्ता सेल्फलेसली सालों सालों से बीजेएस के साथ में जुड़कर ये अलग अलग प्रकल्पों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये 3,000 कार्यकर्ता आकर आने वाले 2 वर्षों के लिए किस तरीके से इस विचारधारा को राष्ट्र निर्माण के हित में लगाया जा सकता है, इसके लिए सब लोग सम्मिलित प्रयास करने वाले। और 2 दिन का ये वाला अधिवेशन, जैसा आदरणीय राजकुमार जी ने कहा, निश्चित तौर से उदयपुर को चुना गया, और ये सौभाग्य रहा कि कुछ दिनों पहले G20 का भी एक समिट आपके यहाँ पर, जिसकी शुरुआत G20 की सबसे पहली शुरुआत उदयपुर से हुई, और भारतीय जैन संगठन के 37 साल के इस सोशल जर्नी का टर्निंग पॉइंट उदयपुर के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है, और ये टर्निंग पॉइंट निश्चित तौर से पूरे समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी में हम सभी लोग मंगल भावना रखते हैं। आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम आपको जरूर उसको डील करेंगे। आप लोगों से मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप लोग आइए, साक्षी बने। ये एकदम अलग प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वर्ल्ड में 5 टाइम बेस्ट एनजीओ अवार्ड मिला है, वेंगो अवार्ड जिसको बोला जाता है। 5 टाइम बीजेएस हैज बीन अकॉर्डेड बेस्ट एनजीओ ऑफ द वर्ल्ड। इस देश में प्राकृतिक आपदाओं को डील करने के लिए जिन संस्थाओं को चिन्हित किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसमें जिन संस्थाओं को चिन्हित किया गया, उसमें एक संस्था जो सरकार के बाहर की है, वो एकमात्र बीजेएस है जिसको सरकार ने चिन्हित किया कि जिन्होंने पिछले 30 सालों में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई है उनको डील करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम किया। अंतिम विषय जिस पर हम इस 2 दिन में चर्चा करने वाले हैं, वो है सामाजिक पहलू, कि समाज के इस बदलते हुए स्वरूप में जो समाज का चित्र बदल रहा है, उस सबसे गंभीर प्रश्न हमारे सामने समाज के रूप में जो आ रहे हैं, वो सिर्फ जैन समाज के संदर्भ में नहीं है, वो हर समाज के सामाजिक दृष्टिकोण के संबंध में है, कि अब परिवार और विवाह ये दोनों संस्थाएं कमजोर होती जा रही है, हमारी अपनी चिंताएं अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में बढ़ती जा रही है, किस तरीके से हम आने वाले समय में इस बदलते हुए युग में हमारे बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर सके, हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। 15 से 25 साल की अविवाहित बेटियों के विषय में जो चिंताएं बढ़ती जा रही है, उन चिंताओं को हम सामूहिक रूप से कैसे इन बेटियों को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरीके से इन बेटियों की कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हमारे विवाह बंधे हुए रहे, कैसे सही तरीके से विवाह बंधे, इन सारी चीजों पर सिर्फ बात न करते हुए प्रैक्टिकली मॉड्यूल जो हमने डिजाइन किए, कोर्सेज जो डिजाइन किए, वो समाज के सामने और आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और यहां से आगे 2 साल में 2023 और 2024 तक का 2 साल का पूरा विजन पूरे देश के सामने रखा जाएगा, और गेस्ट लिस्ट आपके सामने ऑलरेडी भाई साहब ने रखी दी है। गेस्ट जितने भी आ रहे हैं, ये सिर्फ आप और हम लोग गेस्ट के रूप में कह सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में आने वाले सारे लोग
हमारे परिवार के सदस्य है, लोगों के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर ये सारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और विशेष तौर से उदयपुर की टीम जितनी लगन के साथ में इस काम के लिए लगी हुई है, आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि बीजेएस के सारे काम को करने के लिए ये सारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से विशुद्ध सेवा के दृष्टिकोण से सारे काम को आगे बढ़ाते हैं। और ये जिस तरीके से पिछले 2-2.5 महीनों से हमारी उदयपुर की टीम इस काम को आगे बढ़ा रही है, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में बहुत जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम पड़ा, बैंगलोर में भी करने का काम पड़ा, चेन्नई में भी करने का काम पड़ा, लेकिन जो राजस्थान की खुशबू है वो निश्चित तौर से मुझे अलग लग रही है। मैं भी 15 साल से ये वाले काम में जाता हूँ, पत्रकार बंधु आते हैं उनका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पर आप जिस तरीके से एक पारिवारिक माहौल में मुझे लग रहा है, ये निश्चित तौर से वाकई में राजस्थान की अपनी खुशबू है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, थैंक्स अ लॉट, प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न हो? बिल्कुल। जैसा कि राजकुमार जी, वे सब जानते हैं अच्छी तरह से उदयपुर को, आयड नदी का मामला हमारे यहाँ, कल भी एक अखबार में छपा कि 75 करोड़ का काम शुरू हुआ, और 75 करोड़ का काम आयड नदी में सिर्फ 8 महीने में पूरा करना है, जिसका कोई नक्शा आम पब्लिक को मालूम नहीं है, जनप्रतिनिधि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। और थोड़े दिन पहले भी एक अखबार भास्कर में भी या और किसी अखबार में छपा था कि कुछ पत्थर करोड़ों रुपये के, मतलब जो बजट है, वो इस बारिश में बहकर चले गए। तो आप इतना बढ़िया प्रोजेक्ट ले रहे हैं अपने हाथ में, आपने पढ़ा भी होगा कल अखबार में, तो उसके बारे में आप क्या संज्ञान लेते हैं? क्योंकि आयड़ नदी एक बहुत बड़ी पुरानी नदी है, तो हम तो चाहते हैं कि उदयपुर से आप इसको प्रोजेक्ट को, जो 85 करोड़ कल आया ना अखबार में, आपने पढ़ा होगा 75 करोड़ का जो काम है वो सिर्फ 8 महीने में पूरा करना है। 75 करोड़ का काम कैसे 8 महीने में पूरा हो जाएगा? शोकला जी, वैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। पिछले 3-4 वर्षों से, या मैं कह दूं 5 वर्षों से, उदयपुर को सब जवाब दिखाया जा रहा है साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ, इस आयर रिवर फ्रंट का भी विकास होगा, लेकिन काम ज्यों का त्यों है। निश्चित रूप से इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कल रात से लगाकर परसों शाम तक यहाँ रहेंगे। आदरणीय शांतिलाल जी गुप्ता जी, उनके बहुत मधुर संबंध है, इस संबंध में निश्चित रूप से बात करके मीडिया जगत को बताया जाएगा कि वो उनका क्या व्यू इसमें, हम इसका बात का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? आपने बताया लातूर में 1200 बच्चों को लिए आपने, उनका विकास, उनका आज स्टेटस क्या है? आज 20-25 साल के हो गए बच्चे लोग। स्टेटस हमारे यहाँ जो पूना से हेड ऑफिस टीम है, आज आ नहीं पाए यहाँ, वो काम में लगे हुए अशोक कुमार, उनको हम आपके सामने खड़े करते हैं, वो उसमें से एक है, नुक्कड़ साहब उसको अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए, जो 1200 अनाथ बच्चे लातूर के अर्थक्वेक में आए थे, उनका अभी भी फेलोशिप एवरी ईयर 2 बार वो सारे लोग मिलते हैं, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता है कि फॉर्चुनेटली कई सारे लोग उसमें हमारे साथ में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति हमारा अशोक पवार, जिनको हमने गोद लिया था, आज वो पूरे डिजास्टर के काम को हेड कर रहा है। ऐसे अलग अलग जगह पर कई सारे लोग ऐसे कलेक्टर भी काम कर रहे हैं, कई सारे लोग बिजनेसमैन बन गए हैं, कई सारे लोग बहुत बड़े स्वरूप में अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके प्रश्न को एक सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जो हम सबके लिए मैसेज है कि किसी भी व्यक्ति को सहायता देने की बजाय यदि हमने उसको एम्पावर कर दिया, तो व्यक्ति न सिर्फ खुद एम्पावर होता है, वो और भी कई सारे लोगों को एम्पावर करता है। आपने जो बिंदु उठाया वो केवल आपका नहीं, पूरी उदयपुर की जन जन का है, और मैं तो निमंत्रण आप सबको दे रहा हूँ कि 17-18 दोनों दिन आप मीडिया कवरेज करने आएंगे। 17 के दिन जब आपकी उपस्थिति होगी, इस बात का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि 5-10 मिनट गजेंद्र जी शेखावत से आपको मुखातिब कराया, उसमें आप रखेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट खोल रहे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।